बैट प्रो में ऑनलाइन बैटिंग करना बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है भी यार। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रही है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है। यहाँ 5 ओवरों में आपको 15 स्कोर दे रहा था। अच्छा, 10 ओवर में कितना दे रही है? 10 ओवर में 35 स्कोर दे रही है ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ आप लगाओगे 35/100 है ना, यहाँ लगेगा 35 स्कोर करेगा ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में या नहीं, 1000 का 1000 मिलेगा आपको। अगर आप कहते हैं कि ये 35 स्कोर नहीं बनाता, ये 34, फिर 34 ना बनाए, यहाँ 35 अब डबल हो गया, 1000 का 1000 मिलेगा 35 ना बनाए। ले का मतलब है नहीं बनाएगा, बैक का मतलब है बनाएगा स्कोर। अगर आप कहते हो कि इंडिया टेस्ट मैच जीत जाएगा, 1000 रुपये के बराबर आपको 710 रुपये मिलेंगे, 1000 रुपये जाएगा तो 710 मिलेंगे, यानी इंडिया फेवरेट है। बैक का मतलब है यही टीम जीतेगी, यहाँ लगाना है जीतने के लिए। ले का मतलब है टीम हराने के लिए होता है। अगर आप कहते हैं कि ये मैच ड्रा हो जाएगा, अगर आप 1000 रुपये लगाओगे तो 6800 रुपये मिलेगा आपको। अगर आप कहते हो कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, 1000 रुपये लगाओगे तो 2500-2500 रुपये मिलेगा। अगर आप कहते हो डे वार्नर ओपन रन 22 स्कोर बनाएगा या नहीं, तकरीबन बनाया जाएगा यार, 1000 के बदले 1000 मिलेगा। अगर ना पे भी लगा सकते हो, अगर कहते हो कि 22 स्कोर ना बने तो ना बन लगाओ, फिर 1000 लगाओगे, 1000 के 1000 सही, 1000 के बदले 1000 ना पे भी लगा सकते हो। हाँ भी बनाएगा, तुम्हारा दिल करे तो बनाने पे लगा लो, तकरीबन वार्नर बना जाएगा। उमर ख्वाजा 34 स्कोर 1000 के बदले 1000। ये उमर ख्वाजा बहुत अच्छा प्लेयर है, आप एक ही प्लेयर को अगर पकड़ लो ना 100% आप जीत सकते हो। या उमर ख्वाजा ना बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ज़्यादा रन्स करता है। अगर आप एक मरतबा 1000 रुपये लगाओगे ना इनके रन्स पे, उमर ख्वाजा पे 1000 रुपये, अगर खुदा न खास्त आउट हो जाता है तो वो दूसरी सीरीज में जब खेलेगा, दूसरे मैच में खेलेगा, आप 2000 लगाना उसके रन्स पे। तकरीबन ये 5 मैच खेले ना, 2 मैच में नहीं चलता, 3 मैच में 100% चलता है भैया, 100% उमर ख्वाजा स्कोर आपने बनाता है, बहुत लंबी इनिंग्स खेलता है भी है यार। मसलन इंडिया के प्लेयर पे में भी आप विराट कोहली को पकड़ सकते हैं, पर विराट कोहली के हर दफ़ा विराट कोहली के रन पे सब पैसा लगाना है। एक मैच पे 1000, अगर वो आउट हो जाता है दूसरे मैच जब आएगा उस पे 2000 लगाना है भैया। अगर फिर भी आउट हो जाता है दूसरा का भी मैच होगा, फिर 3000 या 4000 लगाना है, वो आपके भी वापस आ जाएंगे और बचत भी आ जाएगी। तकरीबन विराट कोहली भी इसी तरह करता है, 2 मैच में नहीं चलता, 3-5 मैच में चल जाता है, अपने रन बनाता है भैया। अच्छा, आप पाकिस्तान के मैच में चलते हैं PSL के लिए, न्यूजीलैंड का भी इंग्लैंड का ही हो रहा है, टेस्ट मैच हो रही है। अच्छा, मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर का मैच होगा, देखते हैं। अच्छा, मुल्तान सुल्तान फेवरेट है, मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पे है। बैक पे अगर लगाओगे 1000 रुपया 780 मिलेगा, यानी फेवरेट है। पेशावर जर्मी अगर आप कहते हो कि जीतेगी, 1000 रुपये लगाओगे तो 1260 मिलेगा। मुल्तान सुल्तान की अगर बैटिंग आती है तो 76 स्कोर 10 ओवर में बनाएगा या नहीं, अगर बैक पे लगाते हो यानी बनाएगा, ले पे लगाते हो तो फिर 74 स्कोर ना बनाए। अगर पेशावर जर्मी की आती है वो 74 स्कोर 10 ओवर में बनाएगा, अगर आप कहते हो नहीं बनाएगा फिर 72 ना बनाए। और मुल्तान सुल्तान का टारगेट दे रहा है 180-170 बनाएगा या 160 नहीं बनाएगा, पेशावर का 165 दे रहा है 20 ओवर में टारगेट। अच्छा, 6 ओवर की फैंसी है पे, 6 ओवर में मुल्तान सुल्तान 48 करेगा, अगर आप कहते हो कि नहीं करता फिर 46 ना बनाए,
पेशावर संताली बनाएगा। अगर आप कहते हो कि पावर प्ले में संताली नहीं बना तो फिर पैंतालीस ना करें, बाबर आजम की 31 स्कोर दे रहे तो पैसे बाबर आजम पे लगाने चाहिए आपको, हर दफ़ा बाबर आजम पे लगाने चाहिए, एक दफ़ा 1000, दूसरी दफ़ा 2000 लगाना, रिजवान पे भी तकरीबन लगाने चाहिए। हाँ, मोहम्मद हारिस पे आप नहीं लगा सकते कभी भी, मोहम्मद हारिस पे पाकिस्तान का जो है बैटर खिलाड़ी मोहम्मद हारिस पे कभी भी पैसा ना लगाना, हार में जाओगे अगर हारिस पे लगाओ, ये किसी भी वक्त आउट हो सकता है यार। शान मसूद का 22 रन दे रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को 29 स्कोर दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान अच्छा प्लेयर है, कर सकता है, बाबर आजम भी अच्छा प्लेयर है, कर सकता है, इनके स्कोर पर लगाने चाहिए आपको पैसे। ये बहुत आसान है यार, बैट प्रो में पैसा कमाना बहुत। हाँ, एक और आपको ट्रिक बता दूं, जो भी लो टीम, जब भी लो टीम आए थले रेट आए तो वो टीम खा लेनी चाहिए, यानी जीतना चाहिए उसको, उस पे पैसा लगाना चाहिए जीत पे। अगर वो टीम खुदा ना खास्ता हो ऊपर चली जाती है तो आप अपने पैसे वापस करके अपनी बचत रोक सकते हैं, बराबर टीम कर सकते हैं। जब भी कोई टीम नीचे आए ज़रूर खा लेनी चाहिए, अगर 10-20 पैसे पे आई आए तो 20-30 हज़ार खाना चाहिए, यानी 1000 पे लगेगा 30-40 हज़ार, 10 हज़ार 20 हज़ार की आप जी, ज़रा से भी ऊपर टीम जाए तो आप बराबर कर लें, दोनों साइड से जीत रख लें।